राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर वहां के एक पब के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे एक चीनी महिला के साथ नजर आए। दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का मशहूर पब एलओडी लॉट ऑफ ड्रिंक्स है और महिला नेपाल में चीनी राजदूत हाउ योकी है। घंटों बाद प्रवक्ता ने नेपाल विजिट पर सफाई दी। जी हां, आपको बता दें, हालांकि इस वीडियो पर कई घंटों तक कांग्रेस या राहुल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। बाद में प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी मित्र देश नेपाल में एक दोस्त की शादी में गए, जो एक जर्नलिस्ट भी है। दोस्त और परिवार होना, शादी में जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी में जाना अभी भी इस देश में क्राइम नहीं बना है। हो सकता है कि आज के बाद बीजेपी तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी है और दोस्त बनाना अपराध है, लेकिन मुझे बताए ताकि हम अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों की शादी में शामिल होने के रिवाजों को बदल सकें। उधर इसे लेकर बीजेपी हमलावार हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वैकेशन पार्टी, हॉलीडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वे आए दिन पार्टी करते हैं, वैसे भी उन्हें कोई नहीं रोकता। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां किसी को भी पार्टी करने से रोका जा सके। वह पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए कम काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों वायरल वीडियो काठमांडू के रहने वाले भूपेन कुंवर ने फेसबुक पर 2 से 3 मई के बीच रात में शेयर किया। एक वीडियो में राहुल गांधी अपने फोन में बिजी हैं और दूसरे वीडियो में वे एक लड़की के साथ खड़े हैं और उनसे कानाफूसी कर रहे हैं। इस लड़की को ही नेपाल में चीन की राजदूत हो याकी बताया जा रहा है। भूपेन में यह भी लिखा है कि यह नेपाल का सबसे बड़ा और बढ़िया नाइट क्लब है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।